Hello everyone, so in this video we will talk about Shivpuri district. Alright, before this we have already completed Balaghat, so we have total 18 districts kar chuke hain. Now this is 19th one, jisme hum Shivpuri ki sari details padhenge, jo bhi exam perspective se important hoti hain, theek hai. First of all, I would like to tell you, ye jo maine image dala hua hai thumbnail mein, this is Power Waterfall. ये जो है पावा वाटरफॉल है जो कि शिवपुरी में है, तो आई थॉट ऑफ पुटिंग इट अप सो दैट आपको ये इस तरीके से भी याद हो जाएगा. नाउ मूविंग ऑन टू मैप ऑफ मध्य प्रदेश. तो सबसे पहले तो वही देखेंगे कि भाई शिवपुरी है कहाँ. तो दिस इज शिवपुरी, ठीक है. ये जो मध्य प्रदेश का एक नेक टाइप का एरिया बना हुआ है, ये शिवपुरी है. नाउ इफ वील सी, तो ये वेस्ट साइड से राजस्थान है इसमें, ठीक है. ये रहा यहाँ पे राजस्थान, एंड ईस्ट साइड में जो ये है ये यूपी है, ठीक है. अब हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो झांसी है ये यूपी का डिस्ट्रिक्ट इसको बॉर्डर पे टच करता है, और राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कोटा है जो इसको यहाँ से इस एरिया से वेस्ट साइड से टच करता है, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमको देखना है कि मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले हैं जो शिवपुरी को टच करते हैं बॉर्डर्स पर, तो ये है श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर. ये पांच जिले हैं जो इसको बॉर्डर पर टच करते हैं, ठीक है. एंड हमने ये ऑलरेडी देख लिया कि यूपी का झांसी टच करता है और राजस्थान का कोटा टच करता है, ठीक है. ये तो हो गए सारे बेसिक जो है हमारे मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस. नाउ वील टॉक अबाउट सम मोर फैक्ट्स जो इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो इसको इसका पुराना नाम जो है वो है सिपरी, ठीक है. ऑल्सो शिव नाम से, ये शिव जी के नाम से शिवपुरी पड़ा है, ठीक है. नाउ हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस डेट्स बैक टू द मुगल पीरियड. तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, घने फॉरेस्ट हैं, बिकॉज ऑफ विच ये जो रॉयल हंटिंग ग्राउंड था मुगल्स का एंड ब्रिटिशर्स का भी, ठीक है. मुगल्स का, ब्रिटिशर्स का एंड सिंधियाज का, इन सब के लिए ये हमेशा से हंटिंग ग्राउंड रहा है, ठीक. अब नाउ वी नो कि ये जो है शिवपुरी ये ग्वालियर डिवीजन में आता है, ठीक है. इसका हेडक्वार्टर जो है वो शिवपुरी सिटी है. एरिया जो है वो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का है. इतना प्रिसाइजली पूछा नहीं जाता, बट देन वी शुड हैव एन आइडिया. पॉपुलेशन जो है वो 17 लाख के करीब है, ठीक है, 17.5 लाख. डेंसिटी इज 170, दैट मीन्स एक किलोमीटर में ऑन एन एवरेज 170 लोग रहते हैं, ठीक है. इफ़ वी टॉक अबाउट लिटरेसी, तो इट इज़ 63.73%. लिटरेसी कितनी है? 63.73%. इफ़ वी टॉक अबाउट सेक्स रेशियो, तो ये है 877 फीमेल ओवर 1000 मेल. अब इसमें मेजर हाईवेज कौन कौन से पास हो रहे हैं? नेशनल हाईवे 3 एंड नेशनल हाईवे 25. ये वी हैव सीन की सिटी का नाम लॉर्ड शिव जो है महादेव के नाम पे, शिव के नाम पे पड़ा है. ये एक हैवन, इट वॉज सर्व्ड एज द हैवन ऑफ कछवाहा राजपूत टिल 1804. मतलब इस पे कछवाहा राजपूत भी रूल कर चुके हैं, यहाँ पर सिंधियाज भी रूल कर चुके हैं, ठीक है. ब्यूटिफुल सिटी वॉज वंस द समर कैपिटल ऑफ सिंधिया रूलर ऑफ ग्वालियर, जो ग्वालियर के सिंधिया रूलर थे. वी नो सिंधियाज बहुत फेमस हैं ग्वालियर में, ठीक है. ग्वालियर को हमेशा से सिंधियाज ने रूल किया है. लाइक ग्वालियर की हिस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिंधियाज रूल्ड ग्वालियर, राइट. तो जो सिंधियाज थे ग्वालियर के, उनके लिए शिवपुरी हमेशा से समर कैपिटल था, ठीक है. समर कैपिटल रहा है ये हमेशा से. और यहाँ के जो डेंस फॉरेस्ट हैं वो हमेशा से क्या रहे हैं? हंटिंग ग्राउंड्स रहे हैं. अब एक और चीज़ जो जाननी ज़रूरी है, क्यों इसको समर कैपिटल बनाया जाता था? बिकॉज अगर हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे कूलेस्ट एरिया है, ठीक है, शिवपुरी. दिस इज़ द कूलेस्ट प्लेस इन एमपी, इसीलिए इट इज़ द कूलेस्ट प्लेस इन एमपी, इसीलिए शायद उस टाइम पर इसको समर कैपिटल बनाया गया था, ठीक है. मूविंग ऑन हिस्ट्री, हिस्ट्री का देखेंगे थोड़ा, जितना एग्जाम में आने के चांसेस हैं या मे बी इतना डिटेल में भी नहीं आता है, बट देन वी नीड टू सी. सो मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड नरवार डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ ग्वालियर. तो पहले जो ब्रिटिशर्स के अंडर में कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे उनके टाइम पे, ठीक है, तो जो प्रिंसली स्टेट ऑफ ग्वालियर था उसके अंडर में एक आता था नरवार डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर शिवपुरी आया करता था, ठीक. आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, प्रिंसली स्टेट एसीडेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. फिर ये प्रिंसली स्टेट जो है वो नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आके मिल गया. शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट बिकेम पार्ट ऑफ न्यू स्टेट ऑफ मध्य भारत. एंड उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो मध्य भारत का हिस्सा बन गया, ठीक है. और फाइनली 1956 में जब क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ. फजल अली कमीशन जब बनी थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे फाइनली शिवपुरी जो है वो मध्य प्रदेश का एक पार्ट बन गया, ठीक है. नाउ शिवपुरी इज़ वेरी मच फेमस फॉर बर्डर्स, एक प्रॉपर डेस्टिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो है करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर. अभी आपको एक जस्ट आइडिया मैंने बता दिया है, एंड बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, ठीक है. ऑल्सो यहाँ पर माइग्रेटरी स्पीशीज़ भी देखने को मिलती हैं. ऑल राइट.
There are eight tehsils under this district. Okay, the latest one is Bairat Tehsil. Also, it holds a historical importance to the pre-independence times. क्योंकि ये जगह फेमस है फ्रीडम फाइटर तात्या टोपे के लिए. यहाँ पर इनको हैंग किया गया था. ही वॉज हैंग्ड टिल डेथ. तो ये जो है इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से तात्या टोपे कैसे रिलेट करते हैं शिवपुरी से. ऑल राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर स्टेट का फर्स्ट फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज है. ठीक है, ये है फर्स्ट फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज फॉर गर्ल्स. ठीक है, गर्ल्स का जो है फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज है. देन कॉलेज, ठीक है. देन अपार्ट फ्रॉम दिस कंट्री का फर्स्ट सोलर ऑपरेटेड टेलीफोन एक्सचेंज है. ठीक है, मतलब ओवरऑल जो टेलीफोन एक्सचेंज है सोलर तरीके से ऑपरेट होता है. वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर रिसोर्स यूज़ किया जाता है. देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट. यहाँ पर जो करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऑल राइट, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था. ठीक है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आपको पता होना चाहिए. करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1981 का है और ये फेमस है किसके लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ठीक है, सोन चिड़िया जो होती है उसके लिए. ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए काफ़ी फेमस है. एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो किस कैटेगरी में आता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये किस कैटेगरी में आता है, दिस कम्स अंडर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी. अभी ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो कैटेगरी है ये किस चीज़ में दी हुई है कैटेगरी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है. राइट, तो IUCN जो है अपनी एक लिस्ट निकालता है, IUCN अपनी एक रेड लिस्ट निकालता है जिसमें वो सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो लिस्ट है, जो एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, यू नो वल्नरेबल है, ये सारी लिस्ट निकालता है. उसमें जो है सोन चिड़िया मेंशनड है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में. ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दिस वील सी और भी कुछ फैक्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. जैसे कि सबसे पहले देखेंगे शिवपुरी उत्तर प्रदेश के ललितपुर और झांसी तथा राजस्थान के बारन, मतलब जो यूपी का जो है इसमें ललितपुर और झांसी टच होता है. ठीक है, यूपी का कौन सा होता है, ललितपुर और झांसी होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस शिवपुरी में कत्था बनाने का कारखाना है. ठीक है, जो कत्था होता है ना, कत्था, ठीक है, उसका यहाँ पे फैक्ट्री है. ठीक, देन IB का एक ट्रेनिंग सेंटर है शिवपुरी में. IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो का यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है. ठीक है, IB का ट्रेनिंग सेंटर है हमारे शिवपुरी में. देन नरवर महाभारत कालीन प्राचीन नगरी है. अभी हमने देखा ना नरवर यहाँ पर है, नरवर जो है वो महाभारत के टाइम की एक एंशियंट सिटी है. देन यहाँ पर 1857 की क्रांति के नायक तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी. तो अभी ये तो हमने देख लिया फांसी दी गई थी, कब दी गई थी, 18 अप्रैल को, कब, 1859 में, 1859 में उनको फांसी दी गई थी यहाँ पर. अपार्ट फ्रॉम दिस शिवपुरी को मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन शहर घोषित किया है, मतलब टूरिस्ट सिटी, इसको पहला टूरिस्ट सिटी जो है ये घोषित हुआ था शिवपुरी, टूरिस्ट सिटी, फर्स्ट टूरिस्ट सिटी ऑफ MP. ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कासल भवन है. जॉर्ज कासल है यहाँ पर एक, जो किसके अंदर आता है, माधव नेशनल पार्क के अंदर आता है. देन यहाँ पर एक किला भी है, नरवर का किला है. ओके, पीर बुदान का मेला लगता है यहाँ पर. किसका मेला लगता है, पीर बुदान का. ठीक है, पीर बुदान का यहाँ पर एक मेला लगता है. ओके, देन उसके बाद माधव बिलाज भवन प्रसिद्ध स्थापत्य है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू अदर रिलीजियस प्लेसेस. तो हमने देखा ये जॉर्ज कासल है, ये किसके अंदर आता है, माधव नेशनल पार्क के अंदर है. ठीक है, बाण गंगा धाम है, सिद्धेश्वर बाण गंगा फेयर लगता है. एक हमने देखा कौन सा फेयर लग रहा है, पीर भूदान का लग रहा है. एंड उसके अलावा जो है हमारा कौन सा लग रहा है, बाण गंगा फेयर लग रहा है. ठीक है, मोहिनेश्वर धाम है यहाँ पर, उसका मंदिर भी है. देन चिंताहरण मंदिर है यहाँ पर, शिव टेम्पल है, श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, मतलब जैनिज्म की बात करें तो यहाँ पर श्री शांतिनाथ का दिगंबर जैन मंदिर है. उसके बाद महादेव मंदिर सिरसोद करेरा में है. ओके, देन वी विल टॉक अबाउट माधव नेशनल पार्क डिटेल में देखेंगे. तो सबसे पहले ये एस्टेब्लिश हुआ था 1958 में. माधव नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, ऑब्वियसली तभी हम इसको इसके हेड में पढ़ रहे हैं. राइट, ये जो है अपर विंध्या रेंजेस का पार्ट है. द पार्क वॉज द हंटिंग ग्राउंड ऑफ मुगल एम्परर्स एंड महाराजा ऑफ ग्वालियर. ये भी वी हैव सीन ऑलरेडी. इट गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्क इन 1959. तो बेसिकली ये एस्टेब्लिश हुआ 1958 में, उसके बाद इसको स्टेटस नेशनल पार्क का कब दे दिया, 1959 में. यहाँ पर हमको टाइगर, लेपर्ड, नीलगाय, चिंकारा, चौसिंघा
एंड चीतल वगैरह सारे यहाँ पर मिलते हैं। टाइगर कॉरिडोर की बात करेंगे तो पार्क फॉल्स विद इन वन ऑफ द 32 मेजर टाइगर कॉरिडोर ऑफ द कंट्री। देखो एमपी में, सॉरी इंडिया में मेजर टाइगर कॉरिडोर्स कितने हैं? 32 हैं, जिसमें टाइगर कॉरिडोर एक माधव नेशनल पार्क के अंदर भी है। ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन प्लान इज इम्प्लीमेंटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नाउ इन 1918 श्री माधवराव सिंधिया ऑफ ग्वालियर कंस्ट्रक्टेड डैम्स ऑन द मनिहार रिवर क्रिएटिंग द साख्य सागर एंड माधव लेक। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर माधव नेशनल पार्क के अंदर कौन कौन से डैम हैं और कौन सी रिवर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मनिहार रिवर है, जिसके ऊपर माधव राव सिंधिया ने दो डैम बनवाए थे, एक था साख्य सागर और एक था माधव सागर। ठीक है, उसके बाद अगर हम कंजर्वेशन इश्यूज की बात करेंगे तो पार्क इज करेंटली फेसिंग डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन इश्यूज एज इट इज होम टू पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG लाइक सहारिया। यहाँ पे कौन सी ट्राइब मिलती है? सहारिया ट्राइब मिलती है। ठीक है, और सहारिया ट्राइब जो है ये PVTG कैटेगरी में आती है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ये जो हैं, इनके काफ़ी सारे कंडीशंस होते हैं, लाइक यहाँ पर ये दी हुई हैं, लाइक देखिए इनके बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये होमोजीनियस होते हैं, एक टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्मॉल पॉपुलेशन होती है, मतलब लिमिटेड लोग होते हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाखों में पॉपुलेशन है। रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड होते हैं, मतलब दे चूज टू रिमेन आइसोलेटेड बिकॉज वो इतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, ऑल्सो वो डेवलप भी नहीं हुए होते हैं किसी भी लेवल पे कि वो लोगों के सामने जाना पसंद करें। उनका कोई रिटन लैंग्वेज नहीं होता है, रिलेटिवली सिंपल टेक्नोलॉजी होती है, दे लैक टेक्नोलॉजी, हमारी तरह फ़ोन और ये सब नहीं चला रहे होते हैं वो, यू नो स्लोअर रेट ऑफ चेंज होता है इनमें। तो ये एक PVTG ग्रुप का एक ये डेफिनेशन है, ये भी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो यू कैन राइट डाउन इफ़ यू वॉन्ट। तो सहारिया ट्राइब जो है ये PVTG में आती है, एंड सहारिया ट्राइब ही माधव नेशनल पार्क के अंदर मिलती है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो गाइज आई एम प्लानिंग फॉर मोर आंसर राइटिंग सेशन, सो या इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।